वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सजगता दिखाते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि 26 फरवरी से 15 मार्च तक राजधानी आने वाले 5 राज्यों के लोगों को अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। ऐसा सरकार ने एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों को बढ़ते देख यह कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने यह सख्त आदेश जारी किए हैं कि इन 5 राज्यों के लोगों को दिल्ली में एंट्री आसानी से नहीं मिलेगी। बता दें कि बीते एक हफ्ते में जो नए कोरोना मामले आए हैं उसमें से 86% इन्हीं 5 राज्यों से है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस फैसले को लेकर औपचारिक आदेश जारी होगा। यह आदेश 26 फरवरी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। बता दें कि आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा, जबकि कार में दिल्ली आने वाले यात्री इससे बाहर रहेंगे। वहीं देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जहां मंगलवार को भी 11 राज्यों में रिकवरी से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 6,218 संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात के 4 जिलों में केस बढ़ने की रफ्तार तेज हुई है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में भी हालात बिगड़ रहे हैं। इस तरह अब देश के 122 जिले हैं जहां कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।